अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा सूजी का हलवा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कप हमने यहाँ पर जो है सूजी ली है और बादाम लिए हमने ज़रूरत के मुताबिक और खोपड़ा लिया है हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून। हमने लौंग ली है 2 से 3 अदद, ये लौंग हमारे पास 2 से 3 अदद है और छोटी इलायची है हमारे पास 2 से 3 अदद। और हमने घी लिए 4 टेबल स्पून और 1/2 कप हमने चीनी लिए है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है चीनी ऐड कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम सूजी को जो है ऐड करेंगे और इसको जो है हम भून लेंगे। तो ये देखिए हमने जो इसे 5 मिनट तक जो अच्छे तरीके से जो है भून लिया था। आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे। तो पहले जो है हम इसका जो है शीरा जो है तैयार करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले 1 गिलास जो है पानी ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने जो है चीनी के साथ जो है पानी को 2 मिनट तक जो है अच्छे से तरीके से जो है पका लिया था और हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। शीरे को अब हम निकाल लेंगे। तो अब जो है हम इसके अंदर जो है घी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम लौंग और छोटी इलायची ऐड कर देंगे और अब इसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसे भून लिया था 2 से 3 मिनट तक, इसे अच्छे तरीके से हमने भूना। अब जो है हम इसके ना बादाम और पिस्ते जो है वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम शीरा ऐड कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए ये जो है बिल्कुल रेडी है। ये इसी तरीके से जो है होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और अब जो है इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसको जो है अब हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते से और खोपरे से। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार सा जो है सूजी का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही जो है मज़ेदार रेसिपी, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।